आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत यात्रा की। यात्रा क्या, एक उड़ान कहें कल्पना की, जहां कुछ तथ्य हैं वहीं कुछ कल्पना। कुल मिलाकर एक हद तक हम इतिहास के पन्ने पलटने की कोशिश करेंगे। इस प्रयास का संदर्भ है पत्थर और पानी। हो सकता है ये आपको कुछ अटपटा लगे, मगर हमारी किताब के पन्ने जब खुलेंगे तब कहानी सामने आएगी। हमारी ये यात्रा काफ़ी लंबी थी, मौसम बदले, वक्त बीता, अंत में कितना सीखा कितना समझा उसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं कहानी पत्थर और पानी की। शुरुआत हुई फिर उस यात्रा की, जो ना लंबी थी ना छोटी, बस यात्रा भर थी। यहाँ प्रयास था कि हमारे आसपास जो जीवन है उसको जाना और समझा जाए। शुरुआत कहीं से करनी थी, सो पत्थर और पानी की कहानी से करी। पत्थर और पानी का साथ आदिकाल से रहा है, हमारे पृथ्वी पर आने से बहुत बहुत पहले का। अगर पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाए तो हमें पत्थर और पानी का ही आवास होता है। साथ लिया बच्चों को जिनका मन बहुत खुला होता है, और हर बच्चा अपने आसपास के जीवन को गौर से देखता है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों होता है, यह सब वो बहुत सहजता से पूछ लेता है। और प्रकृति से बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है। वैसे तो पत्थर और पानी की कहानी बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, हमने इसे सीमित रखा है दिल्ली तक, बाकी कभी और सही। पत्थर और पानी की कहानी की शुरुआत हम इस जगह कर रहे हैं क्योंकि यहां हमें समय का अंदाज नहीं रहता, यहां कौन से काल में है हमें मालूम नहीं पड़ता। अब हम कल्पना की उड़ान पे चलेंगे, हम समय में वापस जाएंगे। यह स्क्रॉल, इसके चित्रों द्वारा कहानियां बताई जाती हैं। ओ काले बेबुला रे छोई भाई एलो, छोई भाई बोला दीदी पहने रो भोगिनी, कोचा मोड़ा नोए के नो जोले भासो तुमी। प्राचीन कलाओं को हम याद करें, मोदर घरे आमरा से बने वो। यहाँ कहानी जो लोग सुना रहे हैं उन्हें पटवे कहते हैं, और वो हमारे देश के बंगाल प्रांत से हैं। कुंडुला भाजे दर संगे सोदाई दंद बाजे, भाई दर के पूर्व दिया भासिया चलिलो, गोदा बुड़ार घाटे गिए उपनीत होलो। पट चित्र जिन पर प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाकर कहानियां सुनाई जाती थी। नो खाईनी गोदा रुई माज धरे, कहा जाता है एक चित्र हजार शब्दों के बराबर है। आप स्क्रॉल खोल के दिखाएंगे। 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। करोड़ों साल में कई परिवर्तन हुए हैं पृथ्वी में, और पहाड़ बने हैं और खत्म हो गए हैं। हम यहाँ अरावली पर्वत के उत्तरी हिस्से के नीचे बैठे हुए हैं।
ये बहुत प्राचीन पहाड़ हैं, ये हिमालय से करोड़ों साल पुराने हैं। इनकी श्रृंखला गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई है। 200 करोड़ साल पहले समुंदर में पहले जीव जंतु पैदा हुए, उनके बाद कई प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर आए और ख़त्म हो गए, जैसे कि डायनासोर। डायनासोरों का युग जब समाप्त हुआ तब मैमल बहुत छोटे होते थे, फिर विकास हुआ कई मैमलों का। मैमल उन प्राणियों को कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। धीरे धीरे कई मैमल विकसित हुए, बंदर आए, फिर आए आदि मानव। यानी कि हमारे पूर्वज जो खुले में रहते थे, जड़ी बूटी फल वगैरह इकट्ठा करते थे, जानवरों को मारते थे और खाते थे। इसके लिए उन्हें जरूरत पड़ी औजारों और हथियारों की। औजार हथियार बनाने में उनका काफी वक्त बीता होगा, ऐसा हम अंदाज लगा सकते हैं। यह औजार और हथियार बने पत्थरों से। पत्थर उनके जीवन का सबसे बड़ा सच था। उन्होंने अलग अलग आकार के पत्थर तराशे, फिर हड्डी, लकड़ी या दूसरे पत्थर द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार के रूप दिए। वैसे तो पहले पुरातत्विक विभाग को भारत में कई जगह पत्थरों के औजार मिले थे, मगर 1993 में दिल्ली के पास अनंतपुर गांव में जब खुदाई हुई तो तरह तरह के पत्थरों के औजार मिले। आओ हम लोग सब मिलके ऐसे पत्थर ढूंढें जो औजार और हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बच्चे निकल पड़े ढूंढने पत्थरों को, वही पत्थर जो हमारी कहानी के एक पात्र हैं। उनके पास सिर्फ कल्पना थी जिसे वे उड़ा कर ले जा रहे थे अपने हिसाब से। आदि मानव के साथ भी ऐसा ही रहा होगा, चारों ओर पत्थर और पेड़। कल्पना की उड़ान की बात यहां आकर सच हो जाती है। कल्पना भी है उसमें निहित उड़ान भी। मान लिया कि ये सब किताबों में लिखा है, मगर पत्थरों को शक्ल देना तो बाहर जाकर ही हो पाता है। बच्चों ने पत्थर ढूंढे और अपनी कल्पना का सहारा लेकर उन्हें तराशा और अंत में बनाए औजार, हथियार और अन्य चीजें। क्या बनाया बच्चों ने, क्या था उनके मन में?
मैं इस पत्थर में छेद कर रहा हूँ इसे। और तुम लोग क्या लेके आए हो? औजार। क्या दिखाओ क्या क्या लगा? सर ये एक कुल्हाड़ी की टाइप का है, हम जिसके पीछे से ये इसको एक हथौड़े के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सर जैसे हम यूँ कर सकते हैं तो इससे ज़मीन में बहुत गहरा गड्ढा हो सकता है जिसको हम बीज डाल के उसमें कोई पौधे उगा सकते हैं। सर हमारे पास कुछ कुल्हाड़ी टाइप की है जिससे हम किसी चीज़ को रगड़ भी सकते हैं, किसी चीज़ को काट भी सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये एक स्टोन है जिससे हम किसी चीज़ को काट सकते हैं या उसको फाड़ सकते हैं। सर गुलेल है जिसका हम सर जानवर मार सकते हैं और सर साई में खाई में गिरा के सर उनको ऐसे मार सकते हैं। और सर उनको मारने के बाद सर उनके खालों को सर इससे हम काट सकते हैं और काट के जो चीज़ करना कर सकते हैं। यह एक चाकू है जिससे हम पत्ते को काट सकते हैं और इससे उसके हम बारी बारी से कर सकते हैं, और जिससे हमें इसे पीसने में भी इससे पीस सकते हैं इससे। सर ये भाला है, आदि मानव इसको जानवर मारने में काम करता था और इससे बड़े से बड़े जानवर को झटके में गिराया जा सकता है कि किसी को मारता था और झटके में नीचे गिरा देता था। और सर ये हथौड़ा है, उस वो किसी चीज़ को कूटना होता था या छेदना होता था तो आराम से इसको छेद वेद किसी चीज को भी तोड़ने मोड़ने का काम करता था तो इससे आराम से कर लेता था। दिखाओ इसकी ग्रिप तो बहुत बढ़िया है, हाथ में बिल्कुल बैठ जाता। सर आदि मानव इसको आराम से पकड़ के मार सकता था इस चीज को। और सर वो जो आदि मानव अपने वस्त्र बनाता था तो इससे काटता था पहले उसे और फिर उसमें छेद करके, और उनके पास चमड़े का सुई हुई तो होती नहीं थी तो इसलिए वो छेद करके चमड़े में धागा वो चमड़े को पिरो के अपने वस्त्र पहनता था उन्हें बना के। सर हमारे पास काटने की चीज़ है, आदि मानव के पास चाकू तो होता नहीं था इसलिए वो इससे पत्तियाँ वगैरह काटते थे। सर हमारे पास छोटा सा सिलबट्टा है, इस पर हम जड़ी बूटियाँ कुछ इस तरह पीस सकते हैं। इस जड़ी बूटी का नाम है हरी भरी। अगर हमें कभी चोट लग जाए तो उसे ज़रा सा ऐसे घिसना और ऐसे चोट पर लगा लेना, कुछ देर बाद हमारा दर्द कम हो जाता है। सर एक चीज़ है, इससे हम किसी को ठोक सकते हैं, किसी को चीर सकते हैं। और सर ये पर हथौड़ा है, कैसे तोड़ सकते हैं। और सर एक पत्थर है, तीन रंग का, ऐसा देखने में सुंदर है। दिखाओ जरा। और सर ये एक वाइट रंग का है, अंदर ब्लैक रंग की इसमें आउटलाइनिंग है, तो सुंदर लग रहा है देखने में। और ऐसा ग्रीन रंग है, ऐसे हम लिख सकते हैं, कलर आता है इसमें। और तुम क्या लाए हो? सर ये हरा रंग है, जब आदि मानव का युग था वो अपने गुफाओं में इससे ड्राइंग्स बनाते थे। कहने को महज पत्थर से, और ये ग्रे रंग है, ध्यान से देखा जाए ये दोनों कुदरत के रंग है, कल्पना वाली बात समझ में आती है। आदि मानव जो थे इनको आपको जैसे तैयार औजार मिले हैं वैसे तैयार तो मिलते नहीं थे, उनके हाथों में हुनर था, उनका दिमाग बहुत विकसित था, तो वो पत्थर से ही उस वक्त तरह तरह के औजार बनाते थे, छेनियाँ बनाते थे। देखिए कैसे आदि मानव अपने औजार बनाते थे, हड्डियों द्वारा, लकड़ी द्वारा, उनको छेनी की तरह इस्तेमाल करके बहुत बारीक और नाजुक औजार और हथियार बनाते थे। सर हमने इतने सारे पत्थर ढूंढे, अब हम इसका करेंगे क्या? अब आप साथ ले जाइए इनको और घर जाके सोच के, जैसा आपने स्क्रोल देखा था हाँ, उसके जैसे आप अपना स्क्रोल बना के अब कहानी सुनाइए। पत्थर और पानी की कहानी शुरू तो हो गई, अब आगे चलेंगे। आगे चलकर हम देखेंगे इस कहानी में पानी कैसे जुड़ता है। जैसे पहले भी कहा था, ये कहानी ना लंबी है ना छोटी, हाँ सच्ची जरूर है। देखेंगे कुछ जानेंगे, उड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, चल लेंगे थोड़ा, चल लेंगे। कल्पना डोरी से छूटे, पन्ने खुले, नए पुराने, नए पुराने।
नहीं।